हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन का, जो हमारा लास्ट यूनिट है। आज इसको हम पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे वन शॉट। जी हाँ, यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 1 है स्टॉक मार्केट, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको पूरे लेसन को ख़त्म करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के रहेंगे या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो उनका फाइनेंस फॉर एवरीवन अगर सब्जेक्ट है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। 4 यूनिट ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, वो आप जाके समरी की फॉर्म में देख सकते हैं। वन शॉट कराया है मैंने, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते तो उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। ऑलराइट, तो आप जाके देख सकते हैं। और जो बच्चे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग HRM की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। आपका डेफिनेटली बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, इनफैक्ट सारा का सारा हो जाएगा, वन शॉट आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, यानी कि स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ, देखो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये समझ आ सके कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट जागे। देखो, सबसे पहले फाइनेंस फॉर एवरीवन में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमारी लाइफ में फाइनेंस किस तरीके से काम आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इफ़ अगर हम लोग सेविंग करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बैंक्स वगैरह के बारे में पढ़ा, कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग खुलवा सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। बट जो स्टॉक मार्केट है, आज के टाइम पे बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। ये क्यों बन चुका है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना उनको ज़्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट दे देता है। रिस्क तो लगता ही है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बट फिर भी अच्छा खासा हम लोगों को डिविडेंड मिल जाता है। सो डिपेंड करता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हमें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है पैसा कमा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी क्या क्या हमें इसमें पढ़ने वाले हैं। सेंसेक्स निफ्टी के बारे में, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक आपने पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कराने वाली हूँ। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है शेयर हेल्पर्स, यहाँ पे ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, अभी मैं ये रीड आउट। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या है, इसका पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो शेयर हेल्प अस टू डेवलप लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी शेयर हमें मदद कराता है, हेल्प करता है हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ को बनाने में। यानी कि जैसे कि सम पीपल व्यू शेयर एज अ डेंजरस इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों का अगर व्यूज़ को जाने, कुछ लोगों के बारे में जाने, उनके रवैया जाने, तो वो कहते हैं कि शेयर्स जो होते हैं वो एक डेंजरस इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को शेयर्स अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा, उन लोगों को अगर शेयर में पैसे लगाने आते हैं, उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो अच्छा खासा जो है पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक लगाए नहीं हैं बट वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि ये डेंजरस इन्वेस्टमेंट हो सकती है। स्टडी हैव शोन द इन्वेस्टिंग इन द राइट शेयर फॉर अ लेंथी पीरियड फॉर अ टाइम 5 to 10 years में बीट इन्फ्लेशन एंड बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन रियल इस्टेट एंड गोल्ड। देखो, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम लोग, अगर हमने ये पहले पढ़ा कि हम लोग जो कमाते हैं, यानी कोई ना कोई जैसे जॉब वाला कोई पर्सन है, जैसे आप लोगों को ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोग कल को जॉब करोगे, व्हाटएवर कोई बिजनेस करोगे, या आज भी कोई 10,000-15,000 की जॉब भी आप कर रहे हो, तो किस तरीके से सेविंग करो, और सेविंग करने के बाद अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो आप अपनी जॉब के साथ या आप अपने बिजनेस के साथ वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा डिविडेंड कमा सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो कि बैंक में भी इतना नहीं मिलता, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बैंक में भी इतना नहीं मिलता। अगर हम घर में तिजोरी में रखेंगे तो उससे तो आप कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यही कारण की वजह से हमें ये चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट आज के टाइम पर बहुत बड़ा मार्केट है, जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको सिंपल भाषा में समझना है कि शेयर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर अच्छे से इन्वेस्ट करना आ गया तो हम बहुत सारे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, और अच्छी खासी नॉलेज हो के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, जैसे ये वाला पैरा अगर हम देखें तो मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दी जाऊँगी, ठीक है। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर ये वाला एक बार नीचे वाला देख लेंगे। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि होता क्या था, जैसे मैं लाइन यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ, कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम लोग जो है हमें शेयर्स खरीदने होते हैं तो हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है, ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है। आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी डीमैट अकाउंट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तभी मैंने आप लोगों को बोला इसमें कुछ कुछ टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी 11th 12th में अलग अलग बुक्स में पढ़े होंगे।
तो उसका कंबाइन है और काफ़ी नई नई चीज़ें भी हैं जो आपको डिटेल में फर्दर पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर बताया गया है द नंबर ऑफ द ब्रोकर ग्रो एंड द स्ट्रीट बिकॉम कंसिस्टेंट एंड द डिसाइडर री एलोकेट। मतलब शुरू से अगर मैं पढ़ूँ, यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल ऑल्सो एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म टेक्निक्स वाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टिंग जो है वो राइट स्टॉक माइट हेल्प ट्रेडर जनरेट क्विक रिटर्न। वही वाली बात हो गई ना कि जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न मिल जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर यूज टू कंडक्ट ट्रेड इन द स्टॉक अराउंड जो है बरगद का जो पेड़ होता था, पहले बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के स्टॉक ब्रोकर जो होते थे अपने अपने शेयर्स बेचा करते थे। लेकिन ये एक टाइम पे आकर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि स्टॉक ब्रोकर डे बाय डे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हाँ ये बंदा खरीद रहा। होता है ना कि जब हम अपनी सोसाइटी में या आसपास लोगों को देखते हैं कि वो खरीद रहा है या इसने ये चीज़ खरीदी है, उसको अच्छा फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो हम भी करके देखते हैं। ये चीज़ें रहती ही रहती हैं। इनफैक्ट अगर आज हम कोई एप्लीकेशन के बारे में भी सुनते हैं, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, अगर हम आज कोई एप्लीकेशन भी देखते हैं, किसी को पता लगता है कि हाँ उसने इतने पैसे लगाए, उसको इन्वेस्टमेंट आ रही है, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट करा और उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो दूसरे बंदे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते। तो ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर का भी हुआ कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वो स्टॉक बेचा करते थे, लेकिन वो उसकी जो संख्या है जो डे बाय डे जो है इंक्रीज होने लगे स्टॉक ब्रोकर। तो यहाँ पे वही बताया गया कि इनकी एक स्ट्रीट होती थी जिसे मतलब एक दलाल स्ट्रीट बोला जाता, मतलब जो बीच के लोग होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, दलाल स्ट्रीट बोला जाता है, जिन्हें ब्रोकर्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो जो डे बाय डे ये लोग बढ़ने लगे, और साथ ही साथ यहाँ लिखा है 1854 दे शिफ्टेड टू दलाल स्ट्रीट, यानी कि जो बैठ के बेचा करते थे उन्हें दलाल स्ट्रीट जो है एक गली में शिफ्ट किया गया। वेयर द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज नाउ लोकेटेड। अभी इनको जो ना जाना जा रहा है इसी नाम से, वो जाना जाता है BSE के नाम से, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इनको जाना जा रहा है। इट्स इंडिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पहला इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। ही प्लेज अ की रोल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी सबसे पहले जिसने अपना अच्छा रोल निभाया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने। उसके बाद दूसरा मार्केट आता है, मैं आपको फिर एक पूरी समरी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। फिर आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE आया, जो कि 1993 में आया था। मतलब पहले 18 की बात बताई जा रही है, फिर 90s की बताई जा रही है। देखो सबसे 188 में जूम कर देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 1854 में स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज री एलोकेटेड टू दलाल स्ट्रीट। यहाँ पे स्टॉक की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो प्लीज़ यहाँ पे छोटे मोटे एरर्स तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज री एलोकेटेड टू दलाल स्ट्रीट, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है वो री एलोकेट हुआ था दलाल स्ट्रीट में, वो 1854 में हुआ था। और BSE कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1875 को इस्टेब्लिश हो गया था। फिर 1956 में BSE बिकेम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकनाइज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी 1956 की अगर हम बात करें तो जो हमारा BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था, वो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज रिकनाइज किया गया था कौन से कॉन्ट्रैक्ट से, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। 1993 में क्या होता है, NSE इस्टेब्लिश हुआ था एज अ स्टॉक एक्सचेंज यानी लिस्ट हुआ था। और 2000 की बात करें तो कमेंसमेंट में आया था इंडियन ट्रेडिंग यानी इंटरनेट ट्रेडिंग में आ गया था एज NSE, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था, अभी मैंने बताया बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ट्रेडिंग मतलब जो है अपने अपने शेयर्स बेचा करते थे फिजिकल फॉर्म में। लेकिन अभी क्या है, अगर हम 2001 की बात करें तो BSE ने भी कमेंस कर दिया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कंप्यूटराइज स्टॉक बिकने लगे, ठीक है। हर चीज़ कंप्यूटराइज होने लगी, आप लोग अभी पढ़ेंगे डीमटेरियलाइजेशन कौन, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। आओ उसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है बहुत सारे फॉलोइंग फंक्शन। तो उसमें सबसे पहला लिक्विडिटी, दूसरा है मेकिंग रूम फॉर स्पेकुलेशन, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक इंडिकेटर। सबसे पहले लिक्विडिटी नाम से ही क्लियर है, बहुत बार पढ़ के आ चुके हो, मुझे लगता है ये तो आपको समझ आता ही होगा, ठीक है। बट जिनके लिए ये सब्जेक्ट नया है उन लोगों के लिए मैं फिर से बता देती हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में जल्दी से कन्वर्ट होना। तो देखो प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टॉक मार्केट का, इज टू फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, की जो हम सेल कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, लिक्विडिटी बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है द स्टॉक मार्केट परमिट्स देम टू कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। मेकिंग रूम फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन से क्या मतलब है, द स्टॉक एक्सचेंज अलाउ हेल्दी स्पेकुलेशन ऑन एसेट टू क्रिएट लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, दिस लीड्स टू अ मार्केट प्राइस दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द एसेट ट्रू वैल्यू। यानी हमें वो एक्चुअल वैल्यू नहीं बताती है, सिर्फ एक अंदाज़ा बता देती है कि हमारी जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसके लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं जिसको हमें मेकिंग रूम्स फॉर स्पेकुलेशन के नाम से बोला जाता है। तीसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे अगर हमारा स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो यानी इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है, लेकिन अगर प्राइस स्टॉक का कम हो रहा है दैट मीन्स हमारी इकोनॉमिक भी है वो जो नीचे गिर रही है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रहा है, दर्शा रहा है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद आता है सेंसेक्स,
ठीक है, सेंसेक्स होता है और दूसरा निफ्टी फिफ्टी होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, हमारे जो शेयर मार्केट है उसमें स्टॉक मार्केट की दो बड़ी दुकानें हैं, दो बड़ी दुकानें, दोबारा सुन लो, दो बड़ी दुकानें, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी फिफ्टी। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंसेक्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। अच्छा, फिफ्टी क्यों बोला गया वो आपको मैं अभी आगे बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, अभी सेंसेक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सेंसेक्स में समझना है आपको, द सेंसेक्स आर ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव इंडेक्स भी इसको बोला जा रहा है, मतलब मैं ये सब पढ़ रहूँगी, ठीक है। तो इट इज़ वैल्यूड वेटेड इंडेक्स दैट कंसिस्ट ऑफ 30 फर्म विच आर बेस ईयर ऑफ 1978 एंड 49। यानी कि आपको इतना समझ आए कि 1978 से पहले की जो फर्म्स थी और 1949 के बाद की जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी सेंसेक्स के अंदर आती हैं। और 30 आपको इतना याद रखना है कि इतना समझना है कि इसमें टोटल 5000 कंपनीज हैं, जिसमें से टॉप 30 का जो एवरेज स्टॉक प्राइस है वो हमें कौन बताता है, सेंसेक्स बताता है। इतनी सी बात आपको शॉर्ट में समझ लेनी है, बाकी आप इसको बना करके लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है ना, आगे फीचर्स में क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ फीचर्स हैं सेंसेक्स के, आप बस इतना पढ़ लेना, अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहते तो ये भी इजी लाइंस है, 2-4 20 में से याद कर लिए तो आप बना के लिख सकते हैं। तो साइलेंट्स कुछ फीचर है सेंसेक्स के, सबसे पहले सेंसेक्स डिप्यूटेड इन 1986, ठीक है। दूसरा इसमें बताया गया, देखो वही वाली बात आ गई ना, इंडियाज़, यहाँ देखो ये मैं आपको बताती हूँ, देखो ये मैं आपको पढ़ाई थी, इंडियाज़ 30th लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फर्म में से सेंसेक्स हुआ करती थी। BSE लिस्टेड कंपनी रिप्रेजेंट करती है इंडिया की, ये देखो मैं मार्क कर रही हूँ, इंडिया, एक मिनट, हाँ, इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है, कौन, BSE। अच्छा, इट्स इंडिया मोस्ट ट्रैक इंडेक्स। अच्छा, सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूजिंग INR, मतलब यानी कि इंडियन हो गया, इंडियन रुपी हो गया और USD डॉलर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सेंसेक्स में कैलकुलेट करी जा रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ बताया गया, तो इंडेक्स वॉज वॉर्थ 3.71 ट्रिलियन रुपीज़, यहाँ पर वैल्यू बताई गई एज ऑफ अगस्त 31st 2021 का डेटा बताएगी, इंडेक्स वॉज वॉर्थ 3.71 ट्रिलियन रुपीज़। और यहाँ पे टॉप 5 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कौन कौन से इंडेक्स में लिए गए थे, कौन कौन सी कंपनी मेन है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, HDFC बैंक हो गया, HDFC हो गया, है ना, दो बार लिख दिया इन्होंने, ठीक है, HDFC हो गया, ICICI हो गया, इनफोर्स हो गया, ये सारे जो हैं कंपनीज के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, कंपोनेंट्स बताए गए हैं। उसके बाद आता है सेंसेक्स को मेथोडोलॉजी दैट हैज़ चेंज एंड इवॉल्व विद द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि पहले 2003 से पहले जो हमारा जो वैल्यूएशन हुआ करता था सेंसेक्स का वो अलग तरीके से होता था, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन से हुआ करता था, लेकिन अभी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन से होता है। इसका मतलब क्या समझो, देखो दो का मतलब समझ गए तो इजीली हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और साथ में फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये वाला पॉइंट मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, मैं मार्क कर दे रही हूँ, ठीक। सो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना समझना है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसमें देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना ज़्यादा पैसा इसमें लगाया गया है, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी वैल्यू करी जाती है। लेकिन अभी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में ये होता है कि उस कंपनी ने कितने जो स्टॉक हैं, जितना भी स्टॉक जो है वो कितना लिस्ट कर रखा है, मतलब कितने अपने शेयर्स जो हैं वो डायल्यूट कर रखे हैं, वो सारे के सारे फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो अभी कौन सा चल रहा है, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे दे शुड बी लिस्टेड, ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा। और उसके बाद आते हैं निफ्टी इंडेक्स पे, निफ्टी इंडेक्स मैंने आप लोगों को अभी शॉर्ट में बताऊं तो निफ्टी के बारे में, द निफ्टी इंडेक्स वॉज रिलीज एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अभी बता दिया, NSE जो 50 इज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है, दैट इज क्रिएटेड बाय NSE, कब हुआ था, अप्रैल 21, 1996 के अंदर। निफ्टी 50 इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और इसमें टॉप 50 इक्विटी फर्म्स जो हैं आती हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें शॉर्ट भाषा में समझाऊँ, अगर शॉर्ट में, तो निफ्टी इंडेक्स में क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है, ये NSE के अंदर आती है, इसमें 1600 से ज़्यादा फर्म्स हैं जिसमें टॉप 50 कंपनीज़ का एवरेज स्टॉक प्राइस जो बताता है वो निफ्टी 50 बताता है, बस आपको इतनी सी बातें याद रखनी है, है ना। तो बाकी वही है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है इक्विटी कैपिटल से। ये तो मैं मान के चलती हूँ कि अगर कोई एक शेयर 10 रुपये का है, मान लीजिए 10 रुपये का है, और इक्विटी कैपिटल जो है वो 10,000 है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगी। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है इक्विटी कैपिटल से इंटू
इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर से, तो आपका क्या निकल जाएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब दोनों के अपने अपने फॉर्मुले दिए गए। इंडेक्स वैल्यू निकालने का फॉर्मला क्या, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेनी है अपॉन में 1000 इंटू बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन लेना है, तो ये निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको बना करके लिख सकते हैं, फॉर्मुला याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, यानी कि पैसों वाला बाजार है ये। इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक तो कैपिटल और एक मनी मार्केट, और ये आगे फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, यानी कैपिटल मार्केट डिवाइडेड है फर्दर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी आप समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, कंपनी जो है वो रेज करती है लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनी क्या करती है, फंड को रेज करी है। द कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम इंस्टीट्यूशन और लोकेशन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज। मतलब वहाँ पे एक ऐसा कैपिटल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूशन या फिर लोकेशन, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को एक्सचेंज किया जा रहा है। एंड द कैपिटल मार्केट इनेबल सेलर और सप्लायर टू रेज कैपिटल। यानी जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो क्या कर रहा है, कैपिटल को रेज कर रहा है, यानी कि अपने स्टॉक को सेल कर रहा है, बॉन्ड को, इन्वेस्टमेंट को, एंड विच दे आर ट्रांसफर टू द परचेजर नीड ऑफ कैपिटल। है ना, ये बात समझ आती होगी आप लोगों को। अब हम समझ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। बस आपको ना इसका एक टेबल देख लेना, इतना सफिशिएंट रहेगा। टेबल बहुत ईजी होते हैं, याद करने भी आसान होते हैं, इसलिए मैं टेबल को ज़्यादा समझाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, आपको याद भी जल्दी हो जाता है, समझ भी आ जाते हैं। तो देखो, प्राइमरी मार्केट होता क्या है। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर न्यूली इशूड शेयर आर ऑफर्ड टू पब्लिक टू मीट द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। यानी प्राइमरी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पे न्यूली इशूड शेयर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। पब्लिक को बिल्कुल न्यूली शेयर इशू किए जाते हैं जनता के लिए, ताकि टू मीट्स द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। यानी जो फर्म की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके, और जनता भी जो है नए शेयर्स को खरीद पाए। तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी, मतलब पहला बाजार है ये। सेकेंडरी में क्या होता है, कैपिटल मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर द इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है, ऐसा बाजार है जहाँ पे इन्वेस्टर क्या करता है, बाय करता है, सेल करता है सिक्योरिटीज़ को। दे हैव ऑलरेडी बीन इशूड, जो कि पहले से इशू हो चुकी हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, शेयर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सो ऑन। उसके बाद आता है बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर हमें वेल्थ को क्रिएट करना है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। और जो सेकेंडरी होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है टू अचीव नियर फ्यूचर गोल्स, जो हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं, ठीक है, उद्देश्य है हमारा, तो उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी क्या है, न्यूली इशू मार्केट अभी पड़ा, और जो सेकेंडरी है वो आफ्टर इशू मार्केट, यानी इशू मार्केट के बाद ही हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। बाकी और सारे पॉइंट्स भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें प्राइस फिक्स रहता है, प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करता रहता है, यानी सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। बाकी और सारे पॉइंट्स भी आप बनाकर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी इशू एंड ऑफरिंग, IPO, FPO और OFS। इसका भी डिफरेंस देखेंगे और इसको पूरे टॉपिक को समझेंगे। देखो, IPO क्या होता है, द पर्पस ऑफ अ कंपनी IPO इज़ टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। अगर हमारे को बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जो है हम कैपिटल को रेस करते हैं। द पर्पस, कंपनी का पर्पस ही क्या, IPO है, ठीक है। पहले तो अगर हम लोग IPO का एक बार फुल फॉर्म जान लेते हैं, ताकि जो बच्चे को डाउट ना आए। सबसे पहले देखो, यहाँ लिखा भी है, तो IPO क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जो कि ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच अ प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक बाय इशूइंग इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जनरल पब्लिक को इशू शेयर करना ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, यानी वो लोग ऑफर कर रहे हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे FPO, वो है फॉलो ऑन पब्लिक होता है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा देखो, तो FPO क्या है, वंस द IPO इज सक्सेसफुल, जैसे IPO सक्सेसफुल हो जाता है, इट मे रिक्वायर एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड। हमें और कैपिटल भी चाहिए होती है अब कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। देयर इज़ वेयर एन FPO कुड पोटेंशियली सेव दैम, एंड FPO में सर्व ड्यूअल फंक्शन वो करता है, इट कैन सपोर्ट अ कंपनी इंक्रीजिंग इन इक्विटी बेस और डिक्रीजिंग प्रमोटर शेयर होल्डिंग। यानी पहले IPO का, देन FPO, वो सक्सेसफुल होते ही। उसके बाद IPO में क्या होता है, व्हेन अ कंपनी लॉन्चेस अ IPO, यू मस्ट रिव्यू अ ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, सो मैं मान के चलती हूँ कि आपको आता होगा, टू लर्न मोर अबाउट इज बिजनेस प्रोस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड टाइप ऑफ रिस्क एक्सप्लोर, कि कितना रिस्क है, किस तरीके से है, ये सारी सारे कंपनी की प्रोफाइल एनालाइज करने के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद FPO में क्या होता है, कंपनी विद अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफर एज एन FPO, ठीक है, therefore it is simple for investor to obtain information regarding performance of the company stock। यानी कि ये बहुत easily obtain information कर सकता है, मतलब एक बंदा जो है, जो पैसा लगाना चाहता है, वो easily information यहाँ से collect कर सकता है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न यहाँ मिल जाता है, किसके अंदर, IPO के अंदर, और जबकि FPO में क्या होता है, रिस्क कम होता है और इन्वेस्टर
कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी वो जान लेता है यानी कि इन्वेस्ट करने से पहले पहले। अच्छा उसके बाद आता है OFS, क्या होता है ऑफर फॉर सेल है, ये भी नाम से क्लियर है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ ये मैं पढ़ के आप लोगों को बता दे रही हूँ। OFS में रेफर्स टू द सेलिंग शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी थ्रू द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, मतलब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की मदद से यहाँ पे जो शेयर्स है वो बेचे जाते हैं यानी लिस्टेड कंपनी के द्वारा। अच्छा वही होता है, बाकी इसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप 200 कॉर्पोरेशन हैव एक्सेस होता है इनके पास, साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम 25% शेयर ऑफर किए जाते हैं। OFS मस्ट बी सेट असाइड फॉर म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस की फर्म के लिए, और जो बाकी बचे जाते हैं हमारे 25% ऑफरिंग साइज एंड एटलीस्ट 10% ऑफरिंग अमाउंट इज इन मार्क्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी होते हैं। अच्छा उसके बाद आता है बाकी ये डिफरेंस देखना चाहो तो आप OFS का देख सकते हो, बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पे OFS में क्या होता है, IPO तो अभी समझा दिया, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है वो ऑलरेडी लिस्टेड होती है तो वो OFS यानी कि ऑप्ट कर लेती है। शेयर ऑफ ऑलरेडी लिस्टेड फर्म इज ऑफर फॉर सेल होता है ओनली टॉप, देखो वहाँ पे भी वही बात लिखी थी, वहाँ यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है ओनली टॉप 200 कंपनी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन आर एलिजिबल OFS फैसिलिटी के लिए, वो तभी अप्रूवल है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर मोर देन 10% ऑफ द शेयर मे बी एलिजिबल टू सेल द होल्डिंग, 25% OFS शेयर मस्ट बी रिजर्व, किसके लिए रिजर्व है इंश्योरेंस कंपनी के लिए और म्यूचुअल फंड वालों के लिए, और 10% किसके लिए रिजर्व है रिटेलर्स के लिए जो अभी बताया एज पर द सेबी गाइडलाइंस। बाकी ये और भी आप लिख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, है ना, तो मैं ये आपको समझा देती हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बार अच्छे से ताकि आपका क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक फैमिली के अंदर राघव है विद अ फैमिली 6 पीपल, उसके फैमिली में 6 लोग हैं, और विजिटेड अ फ्रूट स्टोर, ही वांटेड हिज फैमिली टू बी अ हैप्पी ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ एजेस एंड प्रेफरेंस, हर किसी की अपनी अलग अलग एज होती है घर में, अलग अलग प्रेफरेंस होती है, ऐसी थोड़ी ना है कि अगर घर में 10 लोग रहते हैं 6 लोग रहते हैं तो एक को अगर गुड्डे बिस्किट पसंद है तो दूसरे को भी वही पसंद होगा, ऐसा नहीं होता। ये तो मैंने सिर्फ बिस्किट का एग्जांपल दिया, हर किसी को अपनी अलग अलग चीज़ें पसंद होती है। तो यहाँ पे एक फैमिली को होता है राघव ने डिसाइड किया कि फ्रूट बास्केट इंस्टीड ऑफ परचेजिंग अ सिंगल फ्रूट ऑफ द फैमिली, एक सिंगल फ्रूट लेने से अच्छा है कि उसने कस्टमाइज फ्रूट बास्केट ले ली, देयरफॉर ही बॉट स्ट्रॉबेरीज फॉर हिज वाइफ, स्ट्रॉबेरी उसने अपनी वाइफ के लिए ले ली, हु वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ केक दैम इवनिंग, ताकि वो उसकी वाइफ केक बना सके, ही पुट बनाना फॉर हिज एल्डर सन एज ही इंटरेस्टेड इज बिल्डिंग मसल्स, उसके लिए अपने जो एल्डर सन है उसके लिए उन्होंने बनानास ले लिए ताकि वो अपने मसल्स को बिल्ड कर पाए, ही डिसाइडेड टू गेट सम एप्पल फॉर द डॉटर, शी वॉज नॉट वेल, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने सोचा कि वो जो है अपनी डॉटर के लिए एप्पल ले लेते हैं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ही टुक सम पियर्स एंड मैंगोज फॉर हिज यंगर ट्विन्स, के लिए उन्होंने मैंगोज वगैरह ले लिए, राघव अटेम्प्टेड टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न बाय डाइवर्सिफाई हिज इन्वेस्टमेंट इन कस्टमाइज बास्केट, मतलब उसने जो बनवाई है अपनी तरीके से बास्केट जो कस्टमाइज करवाई है वो हर किसी की प्रेफरेंस को देख करके बनवाई है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए, इसी तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट वेरिकल इसको बोला जा सकता है, विच न्यूमरस इंडिविजुअल पोल दे सेविंग्स एंड मनी टू प्रोड्यूस कैपिटल रिटर्न ओवर टाइम। अब म्यूचुअल अगर सिंगल भाषा में हम यहाँ पे समझें यहाँ पे कि अब म्यूचुअल फंड इज अ पोल ऑफ इन्वेस्टर फंड दैट इन्वेस्टेड इन, कहाँ कहाँ पे एक जो म्यूचुअल फंड जो होता है बेसिकली हम जो इन्वेस्टर होता है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में, बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके पास, किसके पास, या तो कोई अकेला इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन के पास, और उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड का जो टाइप है वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट वेरिकल है दैट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, वही फिर से वही बात आ गई, स्टॉक में, बॉन्ड में, मनी मार्केट, इन सब में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट्स में कर सकते हैं ताकि हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिले, और इन्वेस्टर इसमें लगाता है। फंड मैनेजर मैनेज एसेट्स एंड स्ट्राइव टू जनरेट कैपिटल गेन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन या कैपिटल को जनरेट कर पाए, है ना, तो इस तरीके से इसको आप बना करके लिख सकते हैं, और ये चार्ट एक बार देख सकते हैं, ये भी आप पेपर के अंदर बना सकते हैं, है ना, कि कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर कैसे स्टॉक्स सिक्योरिटीज़ में जा रहा है, फिर वो जनरेट कर रहा है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न फिर से इन्वेस्टर के पास जा रहा है, तो इस तरीके से और बढ़ता जाता है। फिर हम लगाते हैं एक जगह से हमें रिटर्न आया, थोड़ा सा बचाया, फिर दूसरी जगह लगाते हैं, फिर लगाया, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। अच्छा अब आते हैं रिस्क पे, रिस्क क्या होता है, रिस्क एक बेसिक कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, टेकिंग रिस्क आर नॉट टेकिंग रिस्क, ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन आवर डिसीजन, हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हम रिस्क कितना लेना चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। अब सोचो कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने एक टाइम पे कभी ना कभी तो रिस्क लिया होगा ना, तभी तो वो आज इतने करोड़पति या खरबपति बनकर बैठे हैं, है ना,
तो ऐसे थोड़ी ना बन के बैठे हैं, उन्होंने रिस्क लिया एक टाइम पे। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क कितने टाइप का, अलग अलग टाइप्स के रिस्क होते हैं। एक सिस्टमैटिक हो सकता है, अनसिस्टमैटिक, उसका बस डिफरेंस देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक रिस्क या रिस्क एसोसिएटेड विद इंटायर मार्केट, जो पूरे इंटायर मार्केट पर पड़ता है, उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे, सिक्योरिटी या कंपनी पे ही पड़ता है, उसे अनसिस्टमैटिक बोलते हैं। अच्छा, जो सिस्टमैटिक होता है, जो पूरी मार्केट में पड़ता है, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ना ही उसको कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। जबकि अन सिस्टमैटिक जो होता है, वो जब किसी कंपनी में पड़ेगा तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेसिकली किसी कंपनी पे या सिक्योरिटी पे या किसी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद है, जैसे हम कहीं शेयर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, उसको हम कैसे कंट्रोल कर लेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे मार्केट रिस्क हुआ, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी किसमें, सिस्टमैटिक में। और जबकि अनसिस्टमैटिक में सारे पॉइंट्स आते हैं, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद है बस, फिर लास्ट है मैनेजिंग रिस्क है, जिसको हम मैनेज करते हैं। रिस्क इज इन्वेस्टमेंट इज अनवॉइडेबल, सिस्टमैटिक रिस्क या नॉन सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, एक तो एसेट एलोकेशन में और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन में। तो एसेट एलोकेशन में क्या होता है, बाई इंक्लूडिंग डिफरेंट एसेट क्लास इन पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, बॉन्ड, रियल इस्टेट, ये सब होता है। यू इंक्रीज लाइवलीहुड सच दैट सम इन्वेस्टमेंट में जनरेट सफिशियंट रिटर्न, आपको दे देता है, जो कि आपका एसेट एलोकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन इज डिवाइडेड द मनी यू आर एलोकेटेड टू सर्टेन एसेट्स, जैसे कि स्टॉक, अमंग वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट बिलोंग टू दैट क्लास। डाइवर्सिफिकेशन अलाउ यू टू स्प्रेड आउट योर होल्डिंग्स, आप अपनी होल्डिंग्स को भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं। सो मैंने पूरा का पूरा यूनिट आप लोगों को, पूरा का पूरा लेसन आपको करा दिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर टू, जो कि हमारी बुक का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, स्टॉक मार्केट सम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट टू है, ये लेसन नंबर टू है। इसके बाद पूरा का पूरा यूनिट भी खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी बुक भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले डिविडेंड, फेस वैल्यू, बोनस शेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी टर्म है जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करते हैं। बस इसका डिफरेंस देख लो, आपका काम हो जाएगा। देखो, जाहिर सी बात है, इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, ये हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इक्विटी शेयर होते हैं, कहीं ना कहीं आपको बस इतना याद रखना है, जो इक्विटी शेयर होता है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, तब आपको हमेशा के लिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हमेशा याद रहेगा। वैसे तो मैंने अकाउंट्स में और क्लास 11 से आप लोगों को पढ़ाती हुई आ रही हूं, बट जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट है, जिनको नहीं पता, तो उन लोगों को पता लग जाएगा। देखो, अगर हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खाना बनाते हैं, तो यानी बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम वो उनको खाना देते हैं जो हमारे घर में आए हैं रिश्तेदार। जब खा लेते हैं, उसके बाद बच जाता है, तो ही हम घर के मेंबर्स खाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिलेटिव से याद रखना है, जो घर के मेंबर उनको इक्विटी शेयर से याद रखना है, आपको डेफिनेटली याद रहेगा। तो आपको बस इतना समझना है, जो हमारे जो भी शेयर्स होते हैं, सबसे पहले जो डिविडेंड होता है वो किसको मतलब जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बाद में मिलता है। याद रहेगा, क्योंकि इनको नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस, यानी सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, और इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, इन लोगों को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज यहाँ नहीं मिलता। लेकिन इक्विटी वालों को कहीं ना कहीं एक ये फायदा हो जाता है कि उनको वोटिंग राइट मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता। क्योंकि सारी चीज़ों के फायदे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ही मिलते रहेंगे, तो इक्विटी बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यही सारा डिफरेंस है हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच में। तो आप लिख सकते हैं, बाकी अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं मेरी, जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है बेसिकली जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, अलग अलग शेयर होल्डर को बांटना होता है, जो मिलता है उन्हें, जो उन्हें हम डिविडेंड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है, जो एक्स्ट्रा मनी होती है प्रॉफिट की, वो हमें डिविडेंड बोला जाता है शेयर्स में। अच्छा, तो डिविडेंड जो है वो कई फॉर्म में होता है, कैश हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशल, अदर, ये टाइप्स ऑफ है, लिख सकते हो आप। फेस वैल्यू क्या होती है, देखो जो फेस वैल्यू होती है बेसिकली वो कहीं ना कहीं, जैसे जो कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड करवाई है, जिस वैल्यू पे, उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। वो डिपेंड करती है कितने की होगी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है एक एग्जांपल के तौर पे कि फेस वैल्यू यहाँ पे 10 दिखाई गई है, तो डॉक्यूमेंट में जो लिखी होगी वही हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आता है हम लोगों का
मैं यहाँ बता रही थी, हाँ बोनस शेयर क्या होते हैं। तो देखो बोनस शेयर होता है क्या, बोनस शेयर का मतलब है कि जो कंपनी ने जो रिजर्व इकट्ठा कर रखा था उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं शेयर्स, उन्हीं को हम बोनस शेयर बोलते हैं। इसमें आप कोई एग्जांपल भी देकर लिख सकते हैं, जैसे इन लोगों ने भी समझा रखा है। अच्छा उसके बाद तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब है जैसे कि जो भी कंपनी की जो भी फेस वैल्यू है, जो कि सपोज 10 है, तो 10 में से जो उसको, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसको भी टुकड़े में बांट देना। देखो लिखा भी है स्टॉक स्प्लिट मतलब द नेम सजेस्ट मीन स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मोर देन वन शेयर, मतलब एक शेयर को अलग अलग टुकड़ों में बांटना। ये देखो ये ऊपर लिखा है, एक शेयर को भी अलग अलग टुकड़ों में बांट देना ही स्टॉक स्प्लिट होता है। इसमें और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 10 का शेयर था तो उसको तीन रुपये या 4 रुपये में डिवाइड कर देना। उसके बाद शेयर बायबैक क्या होता है, तो शेयर बायबैक हम लोगों ने वैसे बायबैक वाला भी पढ़ रखा है, तो बस आपको इतना याद रखना, जो भी फंड होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंड को जो है कंपनी क्या करती है, शेयर को दोबारा से रीपरचेज कर लेती है, उसी को हम बायबैक शेयर कहते हैं। मतलब नाम से ही क्लियर है, शेयर बायबैक ऑल्सो कॉल्ड शेयर रीपरचेज, दोबारा से शेयर को खरीदना ही हमारा क्या होता है, शेयर बायबैक होता है। देखो अब हम समझते हैं डिबेंचर क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा भी है डिबेंचर मीन्स देयर आर ड्यू, यानी कि एक ऐसा लिखा भी है डिबेंचर मीन्स अ काइंड ऑफ डेट अरेंजमेंट, डेट का अरेंजमेंट करना ही क्या होता है डिबेंचर होता है। जैसे शेयर होता है वैसे एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर अरेंजमेंट होता है, डिबेंचर क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कंपनी रेज करती है डेट फ्रॉम द अदर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक हो गया, यूजुअल डेट्स अरेंजमेंट हो गए। डिबेंचर्स इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान है जो डिबेंचर्स को परचेज करेगा, डिबेंचर होल्डर होते हैं तो उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और हर कोई डिबेंचर में पैसा क्यों लगाना चाहेगा, तो वो इसलिए लगाता है कि अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी पड़ी है तो वो डिबेंचर्स में पैसा लगाता है, और कंपनी डिबेंचर्स निकालती है ताकि जो भी लोग हैं जो उनको बैंक से अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिला तो डिबेंचर से मिल जाता है, जैसे 12%, 11%, 15% इतना मिल जाता है, और 6 महीने में भी इंटरेस्ट मिल जाता है, पूरे साल का भी मिलता है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी फिक्स रहता है। तो ये सारे एग्जांपल आप इसमें डाल सकते हैं, और वैसे भी आपने 12th में पढ़ा तो आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता मार्केट वैल्यू क्या होता है, जिसमें जो भी हमारे स्टॉक होते हैं जब ट्रेड किए जाते हैं तो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू जो बताई जाती है वही हमारी मार्केट वैल्यू होती है। अच्छा मार्केट, उसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है, वैसे आपको बस इतना याद है टोटल मार्केट वैल्यू को ही मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, लिखा भी है ऊपर साफ साफ, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या, डीमैट, तो इसमें आप लोगों को आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर कोई जो पर्सन है वो ट्रेड करना चाहता है तो किस तरीके से वो अपने बैंक में सबसे डीमैट अकाउंट खुलाएगा, उसके बाद ही उसके सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, कितने का परचेज करा है, सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके पास होता है, उसको कोई फिजिकल फॉर्म में रखने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही हैं। उसके बाद आता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप क्या होती है, उसके बाद आता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ये नाम से ही क्लियर है कि जो पहले जो शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनका सारा जो रिकॉर्ड्स होता था वो कहीं ना कहीं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के द्वारा होता था। उसके बाद आता है बिजनेस डेज क्या होता है, प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है, ट्रेडिंग सेशन क्या होता है। जो लोग स्टॉक में पैसे लगाते हैं मतलब शेयर्स में पैसे लगाते हैं उनको ये पता होंगी चीज़ें कि बिजनेस डे क्या है, कॉमन डे है जो कि आपका मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे कोई भी ट्रेड नहीं होता है। और इसमें मैं आप लोगों को टाइमिंग्स बताती हूँ, यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर ये पूरा शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो प्री ओपनिंग टाइम क्या होता है, कहीं ना कहीं 9 AM जो होता है विंडो ओपन होती है, और उसके 9 AM to 9:15 AM यानी कि 15 मिनट पहले, विंडो के 15 मिनट पहले जो होता है प्री ओपन सेशन होता है। और साथ ही साथ ये ट्रेड कब तक कर सकते हैं, 3:30 बजे तक कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे जो है यहाँ पे नहीं ट्रेड हो सकता है। अच्छा प्री ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, तो आपको बस इतना समझना है कि क्लोजिंग प्राइस जो होता है लास्ट 30 मिनट्स जो बचे होते हैं बिजनेस डे के, वो आपके किस में होते हैं कि उसमें जो अमाउंट आ रहा है शेयर का कितना वैल्यू है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है। जबकि ओपनिंग प्राइस क्या होता है, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड, यहाँ पे नीचे दिया भी गया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस क्या, जब हम स्टार्टिंग में जब ट्रेड करते हैं तो देखते हैं कि उस चीज़ का प्राइस कितना है, तो वो हमारा ओपनिंग प्राइस कहलाता है। अच्छा उसके बाद आता है ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एक रेपुटेटेड कंपनी होती है जो बिल्कुल रिलायबल होती है, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। और यहाँ लिखा भी गया है कि ब्लू चिप इज़ अ टर्म बोरोड फ्रॉम कार्ड गेम ऑफ पोकर, वेयर ब्लू कलर चिप आर ट्रेडिशनली दोज विच आर हाईएस्ट वैल्यू, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। फिर आता है बुल बियर बुल मार्केट, और बियर मार्केट क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, अगर इसका डिफरेंस दिया तो ठीक है, वरना यहीं से समझ लेंगे हम लोग। तो देखो बुल में आपको याद रखना है कि जब भी प्राइस बढ़ने वाला होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, बुल मार्केट है। क्या है, यहाँ लिखती हूँ मैं बुल, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिखती हूँ
बुल, BUL L बुल मतलब इंक्रीज, और दूसरा हमारा बियर है, मैं यही बना रही हूँ, बियर मीन्स प्राइस डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, बुल बुल में क्या होता है कि हमारे प्राइसेस बढ़ने वाले होते हैं, तो जो भी हमारे ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो स्टॉक को उस टाइम पे खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्राइस आगे बढ़ने वाला है। और बियर में क्या होता है, प्राइस जो है वो गिरने वाला होता है, तो जैसे ही गिरने वाला होता है जो उन्होंने ऑलरेडी खरीद रखे होते हैं वो उनको बेच देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, और कुछ बचा है क्या इसमें, ठीक है, फिर आता है हम लोगों का आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन क्या है और पुट ऑप्शन क्या है, ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं। और इससे पहले एक हमारा टॉपिक रह गया डेरिवेटिव्स, ये भी समझ लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होती है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ कॉमन वर्ड फॉर अ गुड रीजन। डेरिवेटिव इज इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, देखा अभी बताया कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट डराइव, जो कि डराइव करते हैं इट्स वैल्यू फ्रॉम वन और मोर एसेट और रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा जो एसेट की जो वैल्यू डराइव हुई हुई है उसे हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है हम लोगों का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आपको इतना याद रखना है, कॉल ऑप्शन जो होता है जिसमें होल्डर जो होता है वो सिक्योरिटी को बाय करता है, और जबकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है। ऑल क्लियर। होल्डिंग पीरियड क्या होता है, तो होल्डिंग पीरियड होता है जितने टाइम पे हम उस शेयर को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि जब भी हमें सेल करना होता है जो हमने शेयर ऑलरेडी खरीद रखे, अगर हम उसको बेचने वाले हैं तो उस बेचने से पहले का जो पीरियड है वो कितना है, मतलब हमने उसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखा है, वही हमारा होल्डिंग पीरियड कहलाता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो शॉर्ट टर्म क्या है, आपको बस इतना ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे समझा रही हूँ आप लोगों को कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जब 12 महीने से कम पीरियड होता है, देखो लिखा है वेदर आप कैपिटल गेन गेन अर्न बाय सेलिंग शेयर इट कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड अपॉन होल्डिंग टाइम, ये हमारा होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है, दैट इफ़ इट इज़ द डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर आर लेस देन 12 मंथ्स अपार्ट, गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर वुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब 12 महीने से कम अगर होल्डिंग पीरियड है तो हमारा शॉर्ट टर्म है, अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, तो बस यही था हमारे पूरी समरी में। और टैक्स हमारा डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसी के हिसाब से टैक्स जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। सो पूरा का पूरा लेसन मैंने आप लोगों को करा दिया, पूरा का पूरा यूनिट करा दिया, पूरी की पूरी बुक करा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया है। सब कुछ देखना चाहते हो तो फटाफट से प्ले लिस्ट में चले जाओ, फाइनेंस फॉर एवरी वन, सब कुछ मिल जाएगा। HRM वन शॉट करा दिया है, अगर पार्ट वाइज देखना चाहते हो वो भी अपलोडेड है, देख सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी करवा दिया है, वो भी जाके देख सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ जल्दी से जल्दी आ जाएगी। अगर और भी किसी का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि हम हर चीज़ आप तक प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।